अगली बार राव साहब सरकार, मोदी का है एल्विस यादव के सर पर हाथ, स्मृति ईरानी के हैं चहेते तो निर्मला सीतारमन से भी कर चुके हैं मुलाकात, अब मनोहर लाल खट्टर से कर रहे हैं बात, योगी से भी करेंगे मुलाकात और लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, एल्विस यादव को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। दरअसल एल्विस यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है और उसके बाद से ही कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। लोग ये बता रहे हैं कि एल्विस यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोग नीचे कमेंट करके भी लिख रहे हैं कि अब की बार एल्विस यादव सरकार, तो कुछ लोग ये बता रहे हैं राव साहब सरकार, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जो है हरियाणा का वो एल्विस यादव है। दरअसल बेबिका के पिता जनार्दन पंडित जब बिग बॉस में आए थे, उन्होंने एल्विस का हाथ देखते हुए ये बताया था कि उनके चुनाव लड़ने के आसार हैं। अब ऐसे में बिग बॉस के घर से निकलते ही एल्विस यादव ने सबसे पहली मुलाकात जो की है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की है। मनोहर लाल खट्टर ने खुद इसकी जानकारी दी है और अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लंबा चौड़ा लेख भी एल्विस यादव के लिए लिखा है, जिसके नीचे भर भर के कमेंट आ रहे हैं। कोई सिस्टम लिख रहा है तो कोई अपने मन की बात एल्विस यादव तक पहुंचा रहा है। दरअसल आप देख सकते हैं बगल में ये ट्वीट है और ये ट्वीट किया गया है मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम हैं उनके तरफ से। मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणवियों का दबदबा हर क्षेत्र में जारी है। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विस यादव से आज संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की। उन्हें इस शो को जीतने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने इतना लिखा उसके बाद एल्विस यादव ने तुरंत इस पर रिट्वीट किया और कहा कि सिस्टम और प्रोटोकॉल एक साथ। तो वहीं पर लोगों के कमेंट जो हैं वो भर भर के आने लगे। एक ने लिख दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भाई को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया जाए और अग्रिम चुनाव के लिए टिकट के लिए आला कमान से बात भी की जाए। इसके साथ ही एल्विस आर्मी, एल्विस यादव और तमाम जो कमेंट हैं वो आने लगे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की है। इट्स आवर ड्यूटी टू पे बैक ऑल द रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज रेजिंग हिज वॉइस इन सपोर्ट ऑफ हिंदुइज्म विदाउट केयरिंग अबाउट हिज लाइफ। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एल्विस यादव की कामयाबी से चलते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं खट्टर साहब जैसे एल्विस कोई ओलंपिक मेडल जीत कर आए हों, देश के लिए हद है। इसके बाद तेजस्वी सरकार बदलता बिहार नाम के एक यूजर अकाउंट ने लिखा कि अपने तो अपने होते हैं, भविष्य में देश के सबसे युवा राजनेता मुख्यमंत्री सांसद विधायक बनेंगे भाई अपने एल्विस यादव, अभी से ही हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने एल्विस यादव के समर्थन में ट्वीट किया था और उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन जितने भी उनके समर्थक हैं आज भी एल्विस यादव को सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो यादव। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अब की बार राव साहब सरकार। तो देखा आपने कुछ इस तरीके से कमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। एल्विस यादव को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। इससे पहले बिग बॉस में जब एल्विस यादव थे तभी बेबिका जो कि दूसरी कंटेस्टेंट थी उनके पिता जब आए थे उन्होंने भी एल्विस यादव का हाथ देखकर ये बताया था कि तुम्हारे चुनाव लड़ने के आसार। अब एल्विस यादव ने मनोहर खट्टर से मुलाकात की है और उसके बाद से ही कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में जब चुनाव होगा तो एल्विस यादव को भी टिकट दिया जाएगा।